बिग बॉस के घर में फिर पलटेगा सीन, रेड जोन की जगह बनेगी काल कोठरी। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में रेड जोन में उन सदस्यों को रखा जाता है जो नॉमिनेशन टास्क में अनसेफ रह जाते हैं या घर के सदस्यों द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन अब घर में मौजूद इस रेड जोन को तोड़कर ग्रीन जोन के साथ मिला दिया जाएगा। इसके बदले में घर में बनेगी जेल या काल कोठरी, जो कि नॉमिनेटेड सदस्यों के रहने का नया ठिकाना होगी। इसके लिए इस जेल या काल कोठरी में उन सदस्यों को भी रखा जाएगा जो कि घर के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे। हालांकि बिग बॉस 14 में अब तक नियमों का बड़ा उल्लंघन नहीं देखा गया है। घर के किसी भी सदस्य ने बिग बॉस हाउस में नियमों का भारी उल्लंघन नहीं किया है। वैसे भी इन बातों का खुलासा नहीं हुआ है कि काल कोठरी में रहने वाले सदस्यों के लिए खाना वगैरह कौन बनाएगा और उन्हें काल कोठरी में किस तरह की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि रेड जोन के सदस्य खुद अपने लिए खाना बनाते हैं और उन्हें बहुत सारी लग्जरियस सुविधाओं से वंचित रखा गया है, लेकिन रेड जोन को जेल की उपमा नहीं दी गई है। भले ही इसमें रहने वाले सदस्यों को कैद रहना होता है और उन पर कई तरह की पाबंदियां होती हैं, फिर भी उसे जेल कहना गलत होगा। अब चूंकि जेल या काल कोठरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और काल कोठरी का निर्माण किए जाने की बात सामने आई है, तो यकीनन इसके रूल और पाबंदियां भी काफ़ी कठिन होने की आशंका बढ़ गई है। तो ये अंदाज़ा लगाना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में नॉमिनेटेड सदस्यों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।